आज हम बनाने जा रहे हैं रागी पॉरेज। उसके लिए हमने 2 टेबलस्पून रागी फ्लार लिया है। अब गैस जलाएंगे, गैस लो आंच पे करेंगे और इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे तब तक जब तक इसकी खुशबू आनी ना शुरू हो जाए। इसको लगातार स्टर करना है ताकि नीचे से ये जल नहीं जाए। रागी अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गई है, खुशबू भी आनी शुरू हो गई। अब गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। रागी फ्लार अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब ये हमने 250 ml दूध लिया है। पहले इसमें हम थोड़ा सा दूध डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि कोई लम्ब्स ना रह जाए। अब इसमें देखिए कोई लम्ब्स नहीं है। अब गैस चलाएंगे और गैस को बिल्कुल सिम पे रखेंगे या लो मीडियम के बीच में रखेंगे। तो अब जो बाकी का दूध है वो भी डाल देंगे और लगातार कड़छी चला के दूध को थोड़ा गर्म होने देंगे। दूध हल्का गर्म हो चुका है। अब इसमें हम 1.5 टेबल स्पून गुड़ डालेंगे। गुड़ को हमने क्रश कर लिया था। आप इसके बदले चीनी भी डाल सकते हैं और अपने स्वाद के अनुसार भी डाल सकते हैं कि कितना डालना है। ये 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर है। ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, 3-4 किशमिश के दाने हैं, बादाम है 3-4 और 3-4 काजू हैं, ये भी डाल देंगे। हम ड्राई फ्रूट इसमें पहले डाल रहे हैं ताकि वो भी थोड़े नरम हो जाएं। आप बाद में भी अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब इनको लगातार स्टर करेंगे और इसे गाढ़ा होने तक पकाएंगे। अगर आप इसको मॉल्ट की तरह पीना चाहते हैं तो इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी पतली रख सकते हैं। तो अगर पॉरेज की तरह खाना चाहते हैं तो इसको थोड़ा थिक कर सकते हैं। कड़छी लगातार चलानी है और गैस को लो मीडियम के बीच में रखना है। पॉरेज थिक होना शुरू हो गया। अब गैस बिल्कुल सिम पे कर देंगे और इसको लगातार कड़छी चलाएंगे। इसको अच्छे से पकाना है, कच्चा नहीं रखना। पॉरेज थिक हो चुका है। ये देखिए इसकी ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। अब गैस करेंगे बंद और इसे एक बोल में ट्रांसफर कर देंगे। कुछ काजू बादाम और किशमिश हमने रख लिए थे, अब इनको गार्निश करेंगे। तो ये रही हमारी आज की रेसिपी, रागी पॉरेज। ये एक बहुत ही हेल्दी पॉरेज है, बच्चों के लिए भी ये बहुत अच्छा है, बड़ों के लिए भी। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और ये एक बहुत ही जल्दी बनने वाली और आसान सी डिश है। तो इसे ट्राई कीजिए और हमें अपना फीडबैक दीजिए और हमें बताइए कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।